नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। आज हम डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आने वाली महिलाओं और लड़कियों से बातचीत करके जानते हैं किस तरह का माहौल है डेरे का, क्यों आते हैं लोग डेरे में। नमस्कार मैम। मैम आपका नाम? मेरा नाम अंजू इंसा है। कितने समय से आप डेरे से जुड़े हैं? मैं 27-28 सालों से जुड़ी हुई हूँ। और डेरे का जो आप माहौल पूछ रहे हो, यहाँ जैसा माहौल तो हमने कहीं और देखा ही नहीं है। यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। मैम महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षा है डेरे? यहाँ तो ना मतलब यहाँ जैसी सुरक्षा तो कहीं और है ही नहीं। यहाँ चाहे रात के 12 बजे चाहे 1 बजे, हर मतलब जैसे लड़कियाँ होती हैं या यहाँ तक कि लेडीज भी होती हैं, जैसे आपका घर से बाहर नहीं निकलते, यूँ लगता है कि भाई हाँ भाई बहुत लेट हो गया है कि मतलब नहीं जा सकते, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ खुला माहौल है लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए, जैसे भी रहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानवता भलाई के कौन कौन से कार्य डेरा सच्चा सौदा की ओर से चलाए जा रहे हैं? यहाँ 140 मानवता भलाई के कार्य चले हुए हैं। जैसे मतलब गरीबों को राशन देना, या कोई प्रेग्नेंट महिला है उसको बढ़िया मतलब देना खाने के लिए, बहुत सारे ऐसे मानवता भलाई के कार्य हैं मतलब कर चलते रहते हैं। मैम आज के समाज को देख के आपको क्या लगता है कि गुरुजी की कितनी ज़रूरत है? आज के समाज को देखते हो तो ऐसा लगता है कि मतलब गुरुजी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नशे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। अगर गुरुजी मतलब आ जाए जल्दी तो मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं तो बहुत ही बुरा हाल है देश में। जो इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं उस बारे में क्या राय है आपकी? वो तो देखो जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो तो पता ही है, सारी दुनिया भी जानती है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे इल्ज़ाम लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। पर ये तो ना देखो जो संत महापुरुषों के बारे में जानता है, ये तो सतयुग से ही ऐसा चला जा रहा है। सतयुग में था जो उस टाइम की सरकार थी उन्होंने वैसे इल्ज़ाम लगाए, आज जो घोर कलयुग है उन्होंने वैसा किया, क्योंकि सरकार ने कभी किसी को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि गुरु में, हमारे गुरु में तो कोई कमी ना थी ना है ना कभी होएगी। हमारे गुरु में कोई कमी नहीं है, हमारा गुरु तो हमेशा ही मतलब मानते भलाई के कार्य ही हमें सिखाया है, अच्छी राह पे चलना सिखाया है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो यही अपील करना चाहेंगे कि सरकार को भी इस जो दुनिया में इतने नशे बढ़ रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि गुरु जी को बाहर निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि सरकार को ज़रूरत है देखने की कि आज के समाज को गुरुजी की कितनी ज़रूरत है, ये समझना चाहिए कि जो नशे हैं वो इतने बढ़ रहे हैं, अगर गुरुजी को समाज में वापस लाया जाए तो जो नशे हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से।